इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे कि क्या है वह अच्छी खबर जो कि जमालपुर और मुंगेर के यात्रियों के लिए आई है। दरअसल जमालपुर से एक नई ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है और इन ट्रेनों की पूरी लिस्ट भी जारी की गई है, साथ ही टाइम टेबल का जिक्र हम इस वीडियो अपडेट में भी करेंगे। तो इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। झारखंड के अलावे अब बिहार के यात्रियों के लिए नई ट्रेन का सौगात लेकर के आ चुकी है रेलवे बोर्ड, और यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक नई ट्रेन का परिचालन जमालपुर से शुरू होगा। हालांकि यह ट्रेन पहले भागलपुर से चला करती थी, जिसका विस्तार करने के बाद यह ट्रेन अब जमालपुर से खुलेगी। जमालपुर के यात्रियों के लिए इसी प्रकार अच्छी खबर आई है। अब जमालपुर से हावड़ा जाने के लिए न सिर्फ सुपर एक्सप्रेस मिलेगी बल्कि गया हावड़ा एक्सप्रेस और एक और कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा। दरअसल सुपर एक्सप्रेस और गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पहले भी होता था, लेकिन अब जो नई ट्रेन मिली है यह है कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन। जी हाँ, यह ट्रेन भागलपुर से हावड़ा के बीच चलती थी, जिसका विस्तार हो चुका है जमालपुर तक, जो आपको सीधा जमालपुर से हावड़ा ले जाएगी। मालदा मंडल प्रशासन ने इस ट्रेन को भागलपुर से विस्तार करने के बाद जमालपुर से खोलने का निर्णय लिया है तथा सोमवार की संध्या में इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था और टाइम टेबल और दिनांक की घोषणा की गई है। इसी दौरान रेलवे मालदा मंडल के अंतर्गत ट्रेन नंबर 03015 हावड़ा जमालपुर स्पेशल ट्रेन कवि गुरु हावड़ा से आगामी 5 अगस्त से जमालपुर के लिए रवाना होगी और दूसरी दिशा में जमालपुर से हावड़ा के लिए कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन 6 अगस्त से चलेगी। कोरोना काल में ऐसी कई ट्रेन है जो कि बंद पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी जमालपुर के रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और यह ट्रेन चलने को तैयार है। मुंगेर और जमालपुर के यात्रियों को हावड़ा के लिए एक और सीधी ट्रेन मिल पाएगी और जिसका परिचालन वाया जमालपुर के रास्ते देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जमालपुर को अब 3 ऐसी ट्रेन मिल चुकी है जो कि हावड़ा को जाती है। पहली ट्रेन गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन, दूसरी जमालपुर हावड़ा सुपर ट्रेन और अब आ गई है कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन। तो यह अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट के लिए। नए वीडियो में हम इस ट्रेन से जुड़ी डिटेल्स और बुकिंग के बारे में भी आपको बताएंगे।